गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घगरा गांव में आज सुबह एक युवक नशे की हालत में खूब ड्रामा किया। युवक नशे की हालत में 300 फीट ऊंची बिजली के टावर पर चढ़कर फिल्मी अंदाज में अलग अलग डायलॉग बोलने लगा। युवक की पहचान बगोदर के घगरा भुइया टोला निवासी रति भुइया के रूप में की गई है। युवक जिस वक्त बिजली के टावर पर चढ़ा हुआ था उस वक्त बिजली भी चालू थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को बहलाया फुसलाया, तब जाकर युवक टावर से नीचे उतरा। हालांकि युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना बगोदर थाना पुलिस को भी दे दी गई है। आप चालू लाइन में एक जो है घगरा भुइया टोली का एक लड़का जो है सो चढ़ गया है। इसको बहुत प्रयास किया जा रहा है सभी अधिकारियों को फोन करके, और अभी सूचना दिया गया है थाना प्रभारी को भी और बगोदर क्षेत्र के विधायक को विनोद जी को भी, और तमाम लोगों को सूचना दे करके अभी हम खुद यहीं पे हैं और इसको लाख जतन करके इसको उतरवाने का कोशिश किया जा रहा है। ये देखिए युवक जो है सो चालू लाइन में टावर में चढ़ा हुआ है, और ये जगह है घगरा जो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरी लाइन चालू है, और लोग जो है सो इनको उतारने के लिए लोग बहुत ही मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जो है सो और ऊपर चढ़ते जा रहा है। और ये देखिए आप सामने देखिए ये पूरा जो है सो यहाँ लोगों की भीड़ हो गई है, समझे ना, और भीड़ में जो है देखिए। आइए बाबू आइए आइए आइए, पैसा देंगे, आइए आओ बाबू आओ, पाँच हजार रूपए दे रहे चावल भी एक रेट पर आया, एक बोरा चावल देंगे, पैसा देंगे, आओ रे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप देख रहे हैं कि इसको रेस्क्यू किया जा रहा है, थाना को भी सूचना दिया गया है और ऊपरी पदाधिकारी को भी, समझे ना, एसडीएम सर को भी सूचना दिया गया, बगोदर सरिया एसडीएम को भी, और ये देखिए हमारे पंचायत समिति के प्रतिनिधि भी जो हैं ये भी आ चुके हैं, बालेश्वर महतो जी, और सभी लोग इधर इनको बुला रहे हैं। एक बार चोर यहाँ देर लिया ये पूरा चढ़ कर गया है टावर, अभी इसको रेस्क्यू किया जा रहा है, नाम रहा है, समझे, और ये इसको देखिए अभी बहुत मशक्कत करके इसको नभाया जा रहा है। अभी हम यहीं पे हैं, आप देख रहे हैं आज, समझिए कि इसका अगर इसको हम लोग रेस्क्यू कर पाते हैं तो एक नया इसका जिंदगी जीवन होगा, क्योंकि चालू लाइन में ये, और ये लाइन कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि बंद होने से पूरा पावर ग्रिड बैठ जाता है, पूरा बिजली ठप हो जाता है। इसलिए जब इनके एसडीओ से बात किया गया, जेई से बात किया गया, तो बोले ये लाइन बंद होने के बाद भी इसमें हवा करंट रहता है। आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ जो है स्थानीय हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। याद आया या, चावल ये तर एक बार आया, अब देख रहे हैं ये सामने जो है आवा। कैसे कैसे चढ़ा था बलेश्वर जी, हम लोग को भी पता नहीं था, हैं ग्रामीण हमको सूचना दिए, कैसे पता चल रहा है, वो हैं हाँ। यही बैठा ले, हाँ यहाँ बैठा लेते हम तक ले, अच्छा हाँ। इसके बाद चढ़ गया टावर, हाँ चढ़ गया, हम गुहाल बारे ले, ठीक 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 ठीक, एक टावर चढ़ गया, इसको नभाया पूरा टॉप में चढ़ गया था, पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन इसको अभी तो हम लोग उतरवा रहे हैं, अभी सबको सूचना दिए हैं एकदम चालू लाइन में। एक बोरा चावल
10,000 एक बोरा चावल